राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील दत्त और भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ ने धौलपुर जिले के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया और एसपी कलेक्टर से बॉर्डर के हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में इजाफा होने के बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इस मौके पर अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की पालना सख्ती के साथ कराई जाएगी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जिन वस्तुओं में छूट दी गई है सिर्फ उनको वरीयता दी जाएगी। सुनील दत्त ने कहा कि भरतपुर रेंज में जितने भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जानकारी हासिल की जा रही है। धौलपुर और भरतपुर का आज दौरा किया गया है और कल भी जो इस रेंज के और ज़िले हैं उसमें भी विजिट की जाएगी। मुख्य तौर पे दो चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लॉकडाउन 3 जो अभी शुरू हुआ है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं इन प्लेस है या नहीं है, और कोरोना से निपटने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करी गई हैं उसमें जिला प्रशासन ने अपना बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है, उसमें कोई और इनको किसी चीज़ की आवश्यकता